नीति आयोग ने राज्यों का हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। इस रिपोर्ट में राज्यों के हेल्थ फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन किया गया है। नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स में केरल ने टॉप किया है। सबसे खराब परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश का है, 82.20 अंकों के साथ। केरल लगातार दूसरी बार टॉप पर है, 30.57 अंकों के साथ। उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी नीचे है। इंडेक्स में यूपी के खराब परफॉर्मेंस पर विपक्षी दल हमलावर है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मोदी और योगी जी की पोल खुल गई है। हेल्थ इंडेक्स के बहाने सुरेंद्र राजपूत ने कोरोना काल में गंगा में बह रही लाशों की भी याद दिला दी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि योगी जी पूरे यूपी में हेलीकॉप्टर से घूमकर कह रहे थे कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा है, लेकिन नीति आयोग ने हकीकत बयान कर दी। आदरणीय मोदी जी, अब तो नीति आयोग ने भी आपकी उपयोगी योगी सरकार को अनुपयोगी बता दिया और कह दिया कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में सबसे बदतर थी तो उत्तर प्रदेश की थी। अब क्या कहेंगे, अब आप कौन सा नया जुमला गढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि काली राम का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब चुनाव के बीच में ये बात आ गई है तो आपको जवाब देना ही होगा। गंगा में उतराती लाशों का भी जवाब देना होगा, आपको ऑक्सीजन से की कमी से मरते हुए लोगों का भी जवाब देना होगा, वेंटिलेटर्स की कमी का भी जवाब देना होगा, दवाओं की कमी का भी जवाब देना होगा। अब आप कोरोना काल में हुई मौतों के जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। योगी जी, आपको भी जवाब देना होगा और इन सारी चीजों के जिम्मेवार लोगों को जनता उचित दंड देगी। अब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जो हेल्थ व्यवस्था है, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि उसमें उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान पे पहुंच गया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जो लंबी लंबी बातें घूम घूम के लिए हेलीकॉप्टर जो आप दौड़ दौड़ के बता रहे थे कि हमने बड़ा यहाँ कोविड काल में काम किया, हमने बड़ी हेल्थ व्यवस्था यहाँ पे सुधारी है, हेल्थ व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे फिसड्डी आई है, इसके बारे में तो योगी जी कुछ तो बोलिए। आई वुड लाइक टू रियली स्टेट दैट अमंग्स द लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, उत्तर प्रदेश, असम एंड तेलंगाना आर द टॉप 3 रैंकिंग स्टेट्स व्हिच मिस्टर राकेश सरवाल पॉइंटेड आउट। So there's been a quantum jump in the incremental performance of these three states. जैसे झोला छाप डॉक्टर से कोई पेट फड़वाए फिर एम्स में जाए तो एम्स को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश 4 बार समाजवादी पार्टी और 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने जो यहाँ व्यवस्थाएं को खराब किया था उसको सुधारने में टाइम लगा है। फिर भी WHO ने योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल में किए गए मैनेजमेंट की तारीफ की है। नीति आयोग ने वर्ष 2015-16 में पहली बार हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की थी। उस वक्त 2014 और 15 को आधार वर्ष मानकर आयोग ने इंडेक्स को तैयार किया था। उसके बाद से लेकर अब तक 4 बार ये रिपोर्ट जारी हो चुकी है। हर रिपोर्ट में यूपी सबसे फिसड्डी राज्य ही साबित हुआ है। लेकिन इसमें एक बात और भी गौर करने वाली है कि नीति आयोग के चौथे हेल्थ इंडेक्स के लिए 2018-19 को आधार वर्ष माना गया है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भले ही यूपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन यूपी उन राज्यों में है जिन्होंने सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है।